दोस्तों कल मैंने अंगूर अनार आम पीला पागल और पाजेब का उर्दू बनाकर दिखाया था। अब मैं आपको आलू धनिया प्याज लौकी और लहसुन का उर्दू बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े आ के लिए अलिफ पर मद लगता है और फिर ला लाम होता है उर्दू में, और बड़ी ऊ की मात्रा वाव बनेगी इसलिए इसको लाम और वाव के साथ लिखेंगे। आलू। फिर है धनिया। धनिया को दाल और हे से दर्शाया जाता है। और फिर है ना, जो उर्दू में नून होता है, और छोटी ई की मात्रा के लिए जेर लगेगा जो कि एक संकेत होता है और लिखा नहीं जाता है। और या, और इस पर बड़े आ की मात्रा लगाने के लिए उर्दू में या अलिफ का इस्तेमाल होता है। धनिया। फिर है प्याज। आधे पा के लिए पे बनाया जाता है। और फिर यहाँ पर बड़े आ की मात्रा के लिए या अलिफ का इस्तेमाल होता है। और ये जा के लिए उर्दू में जे का इस्तेमाल होता है। प्याज। लौकी में ला के लिए लाम का इस्तेमाल होता है। बड़े ओ की मात्रा के लिए वाव का इस्तेमाल होगा और का के लिए काफ का, और बड़ी की मात्रा के लिए छोटी ये का। लौकी। ला के लिए लाम का इस्तेमाल होगा, हा के लिए हे का, सा के लिए सीन का, और ये जो ऊ की मात्रा लगी है इसके लिए पेश लगता है जो कि लगा नहीं जाता है, और ना के लिए नून का। आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि आप कितना सीख रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर करना ना भूलिए।